सबका स्वागत है। हम आज एक नई श्रृंखला चालू कर रहे हैं 5 मिनट संस्कृत के, और इसमें मैं हिंदी में और अंग्रेज़ी में दोनों भाषाओं में एक साथ सिखाने की कोशिश करूँगा। सो वेलकम एवरीवन, टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज विच इज़ कॉल्ड 5 minutes ऑफ संस्कृत, एंड वी विल डू दिस टुगेदर इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, like this as I just did in last 30-40 seconds. चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी भाषा सीखने के लिए, कोई भी नई चीज़ सीखने के लिए थोड़ा थोड़ा करके हर दिन यदि किया जाए तो सीखना आसान है और एक अच्छे स्तर पे पहुंच सकते हैं। Now the same thing in English. To learn any language or any new thing, if we keep doing keep taking small steps every day, then we can reach a good level, a reasonable level that you satisfy yourself. चलिए तो अभी संस्कृत सीखने के लिए हिंदी यदि जिसको भी आती है उनके लिए बहुत आसान है, उनके लिए जल्दी हो सकता है। सेम थिंग इन इंग्लिश, टू लर्न संस्कृत इट्स आइडियल दैट यू नो हिंदी language already. All right, it is easier to learn Sanskrit if you know Hindi. चलिए, पर फिर भी यदि हिंदी आपको नहीं भी आती है तो हो सकता है आपको काफ़ी कुछ रटना पड़े इस कोर्स में, बट ठीक है, देखेंगे। तो यही चीज़ इंग्लिश में, बट इवन इफ़ यू डू नॉट नो हिंदी यू मे नीड टू मग अप अ लॉट ऑफ थिंग्स वाइल लर्निंग दिस न्यू लैंग्वेज, but you can still do it if you really want it. Otherwise, ideally you should learn Hindi first. All right, तो आज पहला दिन है, आज हम सीधे अक्षरों पे चलते हैं। तो अक्षर जो उपयोग होते हैं संस्कृत भाषा में वो सारे के सारे हिंदी में भी उपयोग होते हैं। So today we will first look at the alphabet of Sanskrit, which is also used in Hindi. So if you know Hindi, it's easier to understand. अभी आपको क्या करना है, जब भी आप इस वीडियो को कहीं भी देखेंगे, चाहे आप कहीं यात्रा कर रहे हो, ट्रेन में हो, बस में हो, प्लेन में हो, तो एक पेन और पेपर लेके यदि बैठते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो हाथ से ही हवा में या किसी किताब के ऊपर, सीट के ऊपर, अपने हाथ पैर पे कहीं पे भी जो चीज़ हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी अक्षर बना रहे हैं, लिख रहे हैं, उसको खुद से करके देखिए, तब आपको धीरे धीरे आदत पड़ेगी। नाउ सेम थिंग इन इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू मेक यूज़ ऑफ दिस कोर्स बेस्ट, वेदर यू आर ट्रैवलिंग, वेर एवर यू आर व्यूइंग दिस वीडियो, वेदर इट्स ट्रेन, बस, प्लेन, either have a pen or paper ready with you so that you can try writing few things down also along with the listening and watching the video, and otherwise just practice in the air with your fingers, drawing the letters that we try. ठीक है, तो चलिए वर्णमाला के अक्षर हम शुरू करते हैं आज, और साथ में मैं उसका उच्चारण भी बोलता जाऊंगा, और 5 मिनट में हम रुक जाएंगे, तो जितने अक्षर होंगे हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो वी विल स्टार्ट टुडे विद द अल्फ़ाबेट, एंड वेर एवर आई गेट टिल 5 minutes वी विल स्टॉप देयर, एंड आई विल प्रोनाउंस एवरी लेटर एज वेल वाइल राइटिंग इट। तो ये है अक्षर अ, फिर ये अक्षर है आ, ई, ई, तो ये छोटा ई, ये बड़ा ई, उ, उल्लू का, और ऊ, बड़ा ऊ। थोड़ा सा इरेजर से इसकी मात्रा ठीक से बनाते हैं। और अब हो गए 5 मिनट, तो अब हम रुक जाते हैं, आगे का हम कल सीखेंगे। तब तक आप इनको लिखने की कोशिश कीजिए।